मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा राम मंदिर के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस नेता और भोपाल की दक्षिण पश्चिम सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पीसी शर्मा ने भाजपा पर करारा हमला बोला है। पीसी शर्मा ने कहा कि भाजपा राम को लाने की बात करती है, जबकि इस दुनिया को ही राम लेकर आए हैं। जैसे सीता माँ के श्राप ने रावण की सारी लंका तहस नहस कर दी थी, वैसे ही अब सीता माता का श्राप शिवराज सरकार को तहस नहस कर देगा। भोपाल की दक्षिण पश्चिम सीट से निर्दलीय मैदान में उतरने वाले मनीष पांडे ने अपना नामांकन वापस ले लिया और पीसी शर्मा का समर्थन करने की बात कही है, जिसके लिए पीसी शर्मा ने मनीष पांडे का धन्यवाद किया। पीसी शर्मा ने भाजपा को निशाने पर लेते हुए कहा कि भाजपा के शासन में सरकारी कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, सरकार बनने पर कांग्रेस अपना वचन पत्र पूरा करेगी। कांग्रेस 174 से ज्यादा सीट मध्य प्रदेश में जीतेगी। बढ़ती महंगाई से आम आदमी परेशान है। इसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर्मचारियों को पूरे समय प्रताड़ित किया, इनकी पेंशनें बंद कर दी गई, जो वचन पत्र में कि ओल्ड पेंशन चालू करेगी सरकार बनते ही पहले कैबिनेट में, उनकी नियुक्ति दिनांक से ही उनको प्रमोशन दिए जाएंगे। और सबसे बड़ा काम किया है वचन पत्र में जो बात आई है कर्मचारियों के लिए, बाकी तो है ही कि जो संविदा कर्मचारी है, जो शिक्षक हैं जिनके सब टेस्ट हो गया, उनको इंटरव्यू हो गया, उनको ऑर्डर नहीं मिला आज तक, और आउटसोर्स, इन सब की बात उसमें कही गई है कि सबका बारे में निराकरण किया जाएगा। कांग्रेस नेता और भोपाल की दक्षिण पश्चिम सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पीसी शर्मा ने कहा कि सीता माता के श्राप ने रावण की लंका तहस नहस कर दी थी, वैसे ही अब शिवराज सरकार भी तहस नहस होगी। वो ये कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये गाना चला दे। अरे राम सारी दुनिया को लाए, तुम कहां से ले आए? ये राम सारी दुनिया को लेके आए, और ये इन्होंने कहा था कि सीता मंदिर बनाएंगे, हम लोग तैयारी कर ली थी, श्रीलंका में गया था, सीता जी के मंदिर की जगह चिन्हित कर दी थी वहाँ के प्रधानमंत्री से और प्रेसिडेंट से बात करके, इनने सरकार गिरा दी, नहीं तो राम मंदिर वहाँ सीता जी का मंदिर बन जाता। और सीता माता का श्राप या तो रावण को लगा था, उसकी लंका तहस नहस हो गई थी, अब ये शिवराज जी की सरकार को लगेगा। चुनावी शोर में दब जाते हैं कई बार असल मुद्दे, अनसुना किया जाता है जनता की आवाज, स्वागत की बंधनवारों के पीछे का सच, शिलान्यास के पत्थरों से पथराई आंखों की हकीकत। हमारे साथ दखल न्यूज पर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।